नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कार ट्राइपॉड माउंट की, जो कि दोस्तों कार के डैशबोर्ड और ग्लास पर आसानी से माउंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, करीब मुझे 99 रुपीज़ का ये पड़ा है दोस्तों। ये दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे सेटअप करते हैं। तो दोस्तों पहले दोस्तों ये स्क्रू को हमें इसमें डाल लेना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसे डाल लेना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों इससे इस पोर्शन को एडजस्टमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक एडजस्टर दिया गया है, जो कि इसे ऐसे अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अपने मुताबिक इसे एडजस्टमेंट कर लेना है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे इस तरह से एडजस्टमेंट कर देता हूँ और इसे हमें फिक्स कर देना है दोस्तों। तो ये फिक्स हो गया दोस्तों। और ये जो स्क्रू है दोस्तों ये हमें कुछ इस प्रकार से इसमें लगा लेना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये इसे फिक्स कर देना है दोस्तों इसमें। उसके बाद दोस्तों इसे हमें ऐसे यहाँ से ऐसे फिट कर लेना है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद दोस्तों ये आप अपने हिसाब से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप इसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, कम बड़ा आप अपने मुताबिक कर सकते हो। तो इसे मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा। तो दोस्तों ये आपके मोबाइल को होल्ड करने का काम आता है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसके ऐसे चार होल्स दिए गए हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। इसे हमें इस पोर्शन में से कनेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा इसे पुश करना होता है दोस्तों राइट साइड में, जैसे कि मेरे यहाँ से ऐसे थोड़ा राइट साइड में करके लेफ्ट साइड में ऐसे पुश कर देना है दोस्तों, जो कि लॉक हो जाता है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों ये लॉक होने के बाद दोस्तों ये निकलेगा नहीं। तो इसे दोस्तों अपने मुताबिक आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रख सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों यहाँ पे भी अपने इसके एडजस्टर मिल जाता है दोस्तों, जिससे आप इसे ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं दोस्तों आपके मुताबिक। और यहाँ से इसे हम फिट कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये फिक्स हो जाएगा दोस्तों। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।